पीटीए ने भंग पी के चर्च। ओ भाई तुम लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं है। उधर तुम लोगों ने पबजी को बैन करने की जब ऑफिशियल स्टेटमेंट दी तो बताया कि भाई इसकी वजह से खुदकुशियां हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस गया तो वहां पे आप लोग क्या कह रहे हो कि भाई पबजी को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ चीज है। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा दिखाएं भाई कहां है इस्लाम के खिलाफ, तो वो कोई दिखा ही नहीं सके। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ tech.com एंड दिस इज़ मोहम्मद अली। और भाई पबजी अनबैन की खबरें चल रही हैं, कल भी बहुत सारी खबरें आई कि भाई पबजी पाकिस्तान में अनबैन हो गई है, लेकिन मैंने खुद ट्राई नहीं किया क्योंकि एक दो लोग कह रहे थे, इसलिए मैंने सोचा चलो यार ऐसे ही होगा, मे बी अफवाहें हों। लेकिन सुबह इंस्टाग्राम पर मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के मैसेजेज आए कि अली भाई पबजी पाकिस्तान में अनबैन हो गई है। मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, मतलब कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ही नहीं पीटीए की तरफ से। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर मुझे स्क्रीनशॉट्स, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भेजी कि अली भाई ये देखें हमारी पबजी तो चल रही है विदाउट वीपीएन। तो फिर मैंने चेक किया, जब वाईफाई पे मैंने चेक किया तो पबजी चल रही थी, लेकिन जब मैंने जैस के डाटा पे चेक किया तो पबजी नहीं चल रही थी। अब इसका मतलब यह है कि पार्शली जो पबजी है वो अनबैन हुई है और पार्शली हमारे पास फिलहाल बैन ही है। मुख्तलिफ यूजर्स के पास अभी तक पबजी नहीं चल रही, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास पबजी चल रही है। खैर आगे चल के हम ये भी देखेंगे कि हमारे पास पबजी चल रही है या नहीं चल रही, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत अहम पेशरफ्त हुई है आज पबजी के अनबैन के हवाले से। जो पबजी का बैन चल रहा था उसके हवाले से केस दायर किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज यहां पर बहुत अच्छी खबर आई और आज मुझे यह यकीन हो गया। पहले तो मैं मतलब समझ रहा था ना, लेकिन आज मुझे यह यकीन हो गया कि 110% पीटीए ने भंग पी के चर्च पी के पबजी को बैन किया था। अब ये कौन 70-70 साल के, 80-80 साल के, 60-60 साल के बुड्ढे बैठे हुए हैं जिनको इतनी अकल नहीं है कि हमने पबजी को क्यों बैन किया, इन्हें खुद ही पता नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाप्त हुई, चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक उनका नाम है आई थिंक, उन्होंने इस केस की समाप्त की। अब समाप्त में पूछा गया कि भाई पबजी को क्यों बैन किया गया है, तो पीटीए वाले जो भंग पी के उन्होंने, जिन्होंने पबजी को अनबैन किया था, उन्होंने कहा कि भाई हमने पबजी को इसलिए बैन किया है क्योंकि ये जो पबजी है ये इस्लाम के खिलाफ है। व्हाट मतलब इमेजिन करो, इस्लाम के खिलाफ कह दिया। दूसरी चीज क्या कही कि इसमें बेहया सीन है, मतलब वो सीन है जो इजाजत नहीं देता हमारा इस्लाम। मतलब इमेजिन करो कहाँ की बात कहाँ तक पहुँचा रहे हैं ये लोग। पहले इन लोगों ने पबजी को बैन करने की क्या रीज़न बताई कि भाई 2-3 लोगों ने खुदकुशी कर ली, हालांकि आप लोगों को पता है खुदकुशी उन्होंने नहीं की, सबको पता है कि वो यहाँ पे हमारे पास कुछ और ही चक्कर थे जिसकी वजह से खुदकुशी उन्होंने की। वकार भाई ने आप लोगों को बता दिया होगा, पबजी की वजह से तो खुदकुशी नहीं की। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि इस्लाम के खिलाफ सीन है, इसमें इस्लाम के खिलाफ है ये गेम। अब इमेजिन करो, पहले तो जूते उठाओ इनके सरों पर मारे बंदा। ओ भाई तुम लोगों के अंदर इतनी अकल नहीं है। उधर तुम लोगों ने पबजी को बैन करने की जब ऑफिशियल स्टेटमेंट दी तो बताया कि भाई इसकी वजह से खुदकुशियां हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस गया तो वहां पे आप लोग क्या कह रहे हो कि भाई पबजी को इसलिए बैन किया गया है क्योंकि इस्लाम के खिलाफ चीज़ है, हमारी रिवायात के खिलाफ चीज़ है। क्या रिवायत के खिलाफ चीज़ है, क्या इस्लाम के खिलाफ चीज़ है? पिछले दिनों इस्लाम के खिलाफ चीज़ आई तो पूरे पबजी के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने ट्रेंड चलाया, ट्विटर पर ट्रेंड चला था आपके बैन करने से पहले, जब इस्लाम के खिलाफ चीज़ आई। पबजी वालों ने खुद माजरत करके बैन हटाया था, वो बैन कह रहा हूँ वो चीज़ हटाई थी जो इस्लाम के खिलाफ थी। फिर जस्टिस आमिर फारूक ने कहा दिखाएं भाई कहाँ है इस्लाम के खिलाफ, तो वो कोई दिखा ही नहीं सके, उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था कि ये गेम इस्लाम के खिलाफ है। ओ अकल के अंधो, कौन सा, अभी मैं फवाद चौधरी का वो पढ़ रहा था भाई, वो साहब कह रहे हैं कि हम लोग पाकिस्तान को आईटी सेक्टर में अगले 10 सालों में दुनिया का सुपर पावर मुल्क बनाएंगे। ऐसे सुपर पावर मुल्क बनता है? ये कैसा सुपर पावर मुल्क बनाने की कोशिश कर रहे हो जहां पे बगैर किसी वजह के पबजी को बैन कर दिया जाता है, इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री को बैन कर दिया जाता है। जस्टिस आमिर फारूक ने यह भी कहा कि पबजी क्या सिर्फ एक दरखास्त पर किसी गेम को बंद कर सकता है? सिर्फ एक बंदे ने दरखास्त दी है कि गेम को बंद कर दो, उन्होंने गेम को बंद कर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि आपके अंदर क्या इतनी खुद भी अकल नहीं है कि आप खुद डिसीजन ले सके कि गेम को बंद करना ही नहीं करना? आप किस तरह सिर्फ एक दरखास्त पे गेम को बंद कर सकते हो? और मैं सैल्यूट पेश करता हूं जस्टिस आमिर फारूक को कि आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए इस हवाले से।
इनको अकल ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, किस तरह करना है किस तरह नहीं करना, बस लगे रहते हैं किसी तरह कुछ नया करना है। पहले मोबाइल फ़ोन की रजिस्ट्रेशन का आया, चलो वो तो काफ़ी हद तक ठीक था, अब ये पबजी को बैन करने का वो कर दिया ड्रामा नया। अब यहाँ पे फिलहाल अभी उन्होंने जो केस का फैसला है उसको महफूज कर लिया है, अभी फैसला सुनाया नहीं है, मे भी कुछ ही दिनों में फैसला आ जाए। तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आई मैं आपको फ़ौरन इन्फॉर्म कर दूंगा। और भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लाइक करना, ताकि भाई आप लोग के जो लाइक है ना वो इस वीडियो को कहाँ से कहाँ तक कितनी बड़े लोगों तक पहुँचा सकता है आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी चीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि पबजी बैन अनबैन हुई है नहीं हुई, तो हाँ भाई पार्शली अनबैन हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके सर्वर कनेक्ट हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने वाईफाई से कनेक्ट किया तो मेरा सर्वर कनेक्ट हो गया था, डाटा पे गया जैस के तो मेरा सर्वर कनेक्ट नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरा भाई है उसका सर्वर कनेक्ट हो गया तो उसकी गेम चल रही है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, स्टार एनोनिमस हो गए और दूसरे अहमद गेमिंग हो गए, अहमद भाई, उन सब का चल रहा है। मतलब ये कि पार्शियली अनबैन हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैंने जिन्होंने मुझे मैसेज किए, DMs किए तो उन्होंने मुझे बता दिया कि हमारी पबजी चल रही है, मतलब पार्शियली चल रही है। अभी ऑफिशियली PTA की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि हमने पबजी को अनबैन किया है या नहीं किया, लेकिन मे बी ये समाप्त होने के बाद, इतनी PTA की जलालत होने के बाद, अब मे बी ये पबजी को अनबैन कर दें। खैर 2-3 घंटों में जैसी कोई न्यूज़ आई तो मैं टेक न्यूज़ अपलोड कर दूंगा, तो टेक न्यूज़ ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं आपको कोशिश करूँगा कि अगर जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आई इस हवाले से मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ। मैं फिर यही कहूँगा कि अगर अब भी पबजी को ना बैन किया गया, अनबैन ना किया गया, तो यकीन करो PTA वालों हम बैंड बजा के रख देंगे। गलत कर रहे हो आप लोग। अगर आप लोग हाई कोर्ट में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस आमिर फारूक के सामने ये कह देते कि भाई खुदकुशी की वजह से हुआ है, तो यकीन करो हम लोग आपको कुछ ना कहते। हमें पता है खुदकुशी पबजी की वजह से नहीं की, लेकिन फिर भी हम लोग आपको कुछ ना कहते। लेकिन उधर आप स्टेटमेंट में कह रहे हो बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, इधर आके आप लोग कह रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे इस्लाम के खिलाफ है, आगे से सबूत भी नहीं दे रहे। और फिर आमिर फारूक साहब ने आपकी धुलाई भी की और बता दिया कि कई क्या तुम लोग के अंदर इतनी खुद अकल नहीं है, तुम इतने दिमाग खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते कि लोगों लोग एक बंदा दरख्वास्त दे रहा है, दरख्वास्त से तुम किसी गेम को बैन कर दोगे, लोगों के मुस्तकबिल जुड़े में, मतलब सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए। मैं तो कहूँगा इमरान खान साहब कहाँ है आपका विजन डिजिटल पाकिस्तान का, बताएं ना ज़रा मुझे किधर है आपका डिजिटल पाकिस्तान का विजन। ऐसा होता है डिजिटल पाकिस्तान, इंडिया में टिकटॉक को बैन किया, उनके प्राइम मिनिस्टर में इस पर बात की, इधर पाकिस्तान में पबजी को बैन किए हुए 2 हफ्ते हो गए, अभी तक आपका स्टेटमेंट आया, आपके किसी एक ऑथराइज या अगर हम कहें डेडिकेटेड वजीर का कोई स्टेटमेंट आई, IT मिनिस्टर ने कोई आके एतमाद में लिया कौम के गेमर्स को कि हाँ भाई हमने क्यों किया, आगे क्या पेशरफ्त हो सकती है, कुछ भी नहीं किया। कुछ आप लोगों के अंदर सिस्टम वाले सीन ही नहीं है कि कुछ कर सकें। माजरत के साथ इमरान खान साहब, ये गलत है, ये डिजिटल पाकिस्तान ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे नहीं अगले 10 सालों में जाके पाकिस्तान जो है वो तरक्की करेगा या सुपर IT पावर बनेगा, ऐसे कोई मुल्क नहीं बनता सुपर IT पावर। मुस्बत कदम लेने पड़ते हैं, मुस्बत चीज़ें करनी पड़ती हैं, फिर जाके IT पावर बनते हैं। ऐसी मुंह उठा के किसी गेम को बैन कर दो, ऐसे सुपर पावर बनते हैं IT सेक्टर में। करोड़ों अरबों रुपए की इंडस्ट्री को पाकिस्तान में डुबा के रख दिया, लाखों लोगों के कैरियर्स को डुबा के रख दिया। सोचना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, गलत है ये, बिल्कुल गलत है। खैर आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, और ये देख लें मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा देता हूँ, मैं लॉबी तक तो पहुँच रहा हूँ लेकिन आगे डाटा पे नहीं हो, वाईफाई की प्रॉब्लम आ रही है। और अल्लाह हाफिज़।